नमस्कार, यूबीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूबीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूबीएन 08 के साथ। जो देखा दिखाया। रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। रिपोर्टर विक्रम चंद्रवंशी की रिपोर्ट। रतलाम जिले के जावरा के करीब 9 किलोमीटर ग्राम ऊना खेड़ी से भूतेड़ा जाने वाला बाईपास छोटा सीसी रोड पर पुल टूटने पर ग्रामीण परेशान। गोविंद बोदाना और अन्य ग्रामीण लोगों ने बताया कि पुल को बनाया 3 साल हो चुके हैं। 1 साल ठीक थी और टूट गई 2 साल से टूटी पड़ी हुई है, जिसको लेकर गोविंद बुडाना ने बताया कि कई बार सरपंच सचिव को बोलने के बाद भी इसका काम चालू नहीं किया गया। देखने में आता है कि इसमें पंचायत की बड़ी लापरवाही दिख रही है। सीसी रोड खेत कुआं तक भी जाता है, जो किसानों को फसल लेने काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत ही दिक्कत होती है और कृषि यंत्र भी बारिश के टाइम नहीं जाते हैं, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और किसी को जानवर वगैरह सबको जाने का रिक्स रहता है, डर रहता है, आशंका रहती है। और वो मैंने बार बार बता दिया दिनेश नाइमा जी को कि ये पुलिया ठीक करवा दो, पर वो अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं और वो बार बार मना कर रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि ये पुलिया देख ले आपके सामने दिखाई दे रही है, चली गई बारिश के कारण। एक ही बार में सब ये कच्चा माल डाल रखा है और ये देखो ये इधर से पूरी बह के चली गई है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने अब फिर बारिश आने वाली है। और ये देखिए अब ये अगले एक ही साल में ऐसा हालत हो गई तो इस बार क्या होगा। ठीक है, कितने दिन हो गए इसको पुलिया बनाने? पुलिया बनाने 3 साल हो गए इसको। नहीं, ये साल एक ही 3 साल, मतलब एक पहली साल ही बनाई और बह के चली गई और 2 साल से ये लापरवाही चल रही। मैंने बार बार बोल दिया सरपंच को सर कि ये ठीक करवा दो, ठीक करा। हाँ, वो बोलते हैं खाली ठीक करवा दे, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देते। जब भी मैं फोन लगाता हूँ, जबकि ये देखो ये मटेरियल वो हो गया था, ये मैंने मेरे जेब से मेरे ग्रामीण ने मिलकर ये ठीक करवाया, पर ये देख लिया आपके सामने आकर पानी गिरेगा तो इधर से पानी आएगा तो ये कहाँ जाएगा, मतलब पूरा फिर से बह के चले जाएगा। क्या नाम है आपका? गोविंद बोडाना। ग्रामीण को रास्ते में जाने से दिक्कत हो रही है और कृषि में कुछ आने जाने में ट्रैक्टर कुछ नहीं जाता हमारे कुएं पे और हमारी फसल बर्बाद हो गई। क्या नाम है पंचायत सरपंच का? सरपंच का दिनेश नाइमा। आपने बोला था उनको? हाँ, उनको बोला था तो वो बोल रहे हैं कि कर देंगे ठीक, करवा दिया कर देंगे ठीक, ने करवाया नहीं अभी तक कि जैसी भी भेज दूंगा या कर दूंगा, अभी तक कोई आया नहीं। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये सब कच्चे मिट्टी भर रखी है। देखो ये बर्तन, देखो ये ऐसे पुलिया बना रखी है इन्होंने, सिर्फ पत्थर डाल रखे, कुछ भी काम नहीं कर रखा। देखो ये पत्थर डाल रखे बस ऐसे। ये देखो ये सब ग्राम इधर ये जानवर रहने की जगह कर रखी है उन्होंने नीचे। देखो ये कुछ नहीं है, देखो ये नहीं बोल रखे हमने इतनी लागत से नहीं बहेगी और ये ऐसा काम करके उन्होंने दिया और इससे किसानों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। फसल बारिश के टाइम में आंधी तूफान के कारण ये बह के चले जाते हैं, हमारा किसान वाहन नहीं जाते हैं, हम राहगीरों को जाने आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। छोटे बच्चे जब जाते हैं तो पानी के बहाव के कारण डूबने और इसका खतरा रहता है और ये बहुत ही प्रशासन की लापरवाही है एक तरह से ये देखा जाए तो। ये प्रशासन को बार बार कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा है और ये पंचायत की बड़ी लापरवाही है। सरपंच को बोल दिया मैंने, एक बार सहायक सचिव और मंत्री को भी बोल दिया, पर उन्होंने कोई इस बार का ध्यान नहीं दे रहे। सरपंच का क्या नाम है? दिनेश नाइमा। और सचिव का? सचिव का मुझे मालूम है।